सिर्फ दो रोटी के लिए। बहू, मुझे यहाँ रहने दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ रहने दो, ये मेरे स्वर्गीय पति का घर है, गिड़गिड़ाती बेबस बूढ़ी माँ बोली। बहू पर तो जैसे जुनून सवार था क्रूरता का। उसने आओ ना देखा ना ताओ, बस सिर्फ दो रोटी के लिए बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया और फिर आने ना दिया। रोती माँ अनजाने रास्ते पर चली जा रही थी और रोते बिलखते हुए सोचती जा रही थी कि शायद उसका बेटा घर होता तो उसे जाने ना देता। किंतु बेटा भी उसकी कहाँ सुनता है। रोते रोते सहसा वो गिर पड़ी। तभी एक दंपति वहाँ गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो अम्मा? अम्मा शब्द सुनते ही वह और जोर जोर से रोने लगी। तभी दंपति ने उसे चुप कराया। तब बूढ़ी माँ ने बताया कि रोटी के कारण उसकी बहू ने आज उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर बहू उसने एक ना सुनी। वह सुन दंपति उसे अपने घर में ले आए। वहाँ वह उनके बच्चों व उनके साथ घुल मिल गई। बच्चे भी अम्मा जैसी दादी को प्यार पाकर खुश हो गए। परंतु बूढ़ी माँ ने सोचा कि वह घर पर खाली नहीं बैठेगी, कुछ काम करेगी, जैसे अचार डालने का काम। यह बात उसने दंपति से कही और उन्होंने कहा, जैसा आपको अच्छा लगे ही आप करें। बूढ़ी माँ ये सुनकर बहुत खुश हो गई और अचार बनाने का काम करने लगी। धीरे धीरे उसका यह अचार बहुत पसंद आने लगा। आज उसका अचार बेहद प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग उसके अचार को बेहद पसंद करने लगे। आज वह बड़े बूढ़े लोगों के लिए मिसाल बन गई है। आज बूढ़ी माँ बहुत व्यस्त है और फिर से युवा जैसी दिखने लगी है। इस कहानी के माध्यम से मैं उन सभी युवा युवतियों से यह कहना चाहूँगी कि किसी भी बुजुर्ग का निरादर ना करें, मिलजुल कर समस्या का समाधान करें। आपसी समझ से ही यह बात सुलझ जाएगी। मारपीट करना अपने बुजुर्गों से और उन्हें घर से बाहर निकाल देना किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि जो और जिस तरह का हम बीज बोएंगे वही पेड़ के रूप में, फल के रूप में हमें प्राप्त होंगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।